So today we are going to do an evaluation sheet of the chapter acid, bases and salts. Okay, these are very short answers, one word or one sentence, and after that I have few short answers type questions also, right? So very first question is, what color do the following indicators turn when added to a base or alkali? मतलब आपने इन इंडिकेटर्स का जो कलर चेंज आता है वो बताना है जब हम इन इंडिकेटर्स को एक बेस में ऐड कर रहे हैं या फिर एल्कली में ऐड कर रहे हैं. तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो कैसा कलर दिखा रहा था बेटा बेसिस में, जब आप उसको बेस में ऐड कर रहे थे? यस तनीषा, कौन सा कलर दिखा रहा था? शीतल, आपको पता है? दीपांशु, नहीं पता, मुझे बता दो, मुझे कोई वो नहीं है. हम हाँ जी, आता है, याद है या नहीं याद है? नहीं याद. मिथाइल ऑरेंज क्या कलर दिखाता है जब आप उसको बेस में ऐड करते हो? रेड. इट इज येलो. यस, वो येलो कलर शो करता है. ठीक है, देन लिटमस कौन सा कलर शो करता है? ब्लू. हाँ जी, ब्लू. यस, लिटमस जो है वो ब्लू करता है. वेरी गुड. नेक्स्ट इज रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, ये कौन सा कलर शो करता है जब आप इसको बेस में ऐड कर रहे हो? बेस में ऐड करने पे कौन सा कलर शो करेगा ये? पिंक. पिंक तो नहीं होता. नहीं, पिंक नहीं है वो, आपका है उसमें आता है, फिनोक्सिलीन में आता है पिंक, इसमें नहीं आता पिंक. यस, इसमें आता है आपका ग्रीन कलर. रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट जब आप इसको एक किसी बेस में ऐड करते हो तो ग्रीन कलर शो करता है. ठीक है, ओके. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कलर डू द फॉलोइंग इंडिकेटर्स टर्न व्हेन एडेड टू एन एसिड. अब हम एसिड में ऐड कर रहे हैं तो कलर चेंज देखते हैं. मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज क्या कलर देता है बेटा जब आप उसको एसिड में कर रहे हैं? सॉरी, लिटमस है पहले. लिटमस कौन सा कलर देता है? आप एसिड में जब डालते हो लिटमस का क्या कलर आता है? खतरे का निशान. यस, खतरे का कलर कौन सा होता है? रेड. यस, तो रेड कलर आता है. एंड मिथाइल ऑरेंज, ये कौन सा कलर शो करता है बेटा? ये भी रेड शो करता है. ठीक है, ओके. सो अब इसको याद कर लो, मिथाइल ऑरेंज जब आप एक बेस में ऐड करते हो इट टर्न्स इनटू अ येलो कलर. ओके, आप लिटमस पेपर को किसी बेस में ऐड कर रहे हो तो इट विल शो ब्लू कलर. रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट व्हेन इट इज एडेड टू अ बेस इट विल टर्न इनटू ग्रीन कलर. ओके, सिमिलरली जब आप लिटमस को एक एसिडिक सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तब वो रेड कलर का हो जाएगा. मिथाइल ऑरेंज इट विल आल्सो टर्न इनटू रेड कलर. नेक्स्ट, नेम एन इंडिकेटर व्हिच इज रेड इन एसिड सॉल्यूशन बट टर्न्स ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन. ऐसा कौन सा इंडिकेटर होता है जो एसिड में तो रेड है बट बेसिक में जाके ब्लू हो जाता है? यस, इट इज आवर वेरी वेल नोन, वेरी कॉमनली यूज इंडिकेटर. कौन सा है बेटा? यस तनीषा, कौन सा इंडिकेटर है बेटा जो एसिड में रेड और लिटमस सॉरी ब्लू में बेसिक में ब्लू हो जाता है? आई एक्चुअली बाय मिस्टेक जस्ट लिटमस. यस, आई जस्ट टोल्ड द आंसर ओनली. ओके, सो इट इज लिटमस. हाँ जी, इट इज लिटमस. नेक्स्ट, नेम एन इंडिकेटर व्हिच इज पिंक इन एल्कलाइन सॉल्यूशन लेकिन इट टर्न्स कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन. ये कौन सा है? इट इज फिनोफ्थलीन. ओके, फिनोफ्थलीन जो है वो बेसिक में जाके क्या हो जाता है? पिंक. ठीक है, लेकिन एसिडिक में वो क्या रहता है? कलरलेस रहता है. ओके, अब आता है बेटा नेक्स्ट है, व्हेन अ सॉल्यूशन इज एडेड टू अ क्लॉथ स्ट्रिप ट्रीटेड विद अनियन एक्सट्रैक्ट देन द स्मेल ऑफ अनियन कैन नॉट बी डिटेक्टेड. State whether the given solution contains an acid or a base. मुझे बताओ इसमें क्या पूछा गया है कि एक कपड़ा आपने लिया, एक क्लॉथ का टुकड़ा लिया, उसमें हमने अनियन एक्सट्रैक्ट जो है उस पे लगाया हुआ था, उसके बाद हमने उसको एक सोल्यूशन में डिप कर दिया. अब डिप करने के बाद उसकी कोई स्मेल नहीं आ रही अनियन की, तो बताओ वो जो सोल्यूशन था जिसमें हमने उस कॉटन स्ट्रिप को डिप किया वो एसिडिक था या बेसिक था? यस, अनियन एक्सट्रैक्ट जो है वो एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है. हमारे माउथ में क्या प्रेजेंट होता है? एसिड प्रेजेंट होता है. सो जब आप अनियन खाते हैं तब भी वो स्मेल रिटेन रहती है, लेकिन जब आप टूथपेस्ट कर लेते हो वो स्मेल चली जाती है. टूथपेस्ट इज अ बेस, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो जो सॉल्यूशन था दैट वाज बेसिक. ओके,
solution was basic. Okay, basic solution में आते ही olfactory indicator जो ये onion extract है, ये अपनी smell जो है ये lose कर देता है, लेकिन acidic medium में ये अपनी smell को retain करके रखता है, right? Next, when a solution is added to vanilla extract, हमने एक solution लिया, उसको vanilla extract में हमने add कर दिया, उसके बाद after that the characteristic smell of that vanilla is not there. मतलब वो स्मेल हमें अब नहीं आ रही. सो यू हैव टू टेल मी वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एन एसिडिक सॉल्यूशन और अ बेसिक. यस, बेसिक. इसमें भी वही सेम फिनोमेना है. मैंने आपको कहा था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे कि जब आप आइसक्रीम खाते हो आपके जो मुंह में स्मेल है वो रहती है अंटिल एंड अनलेस यू डू ब्रश. टूथपेस्ट के साथ आप ब्रश नहीं करोगे तब तक वो स्मेल नहीं जाएगी, एंड टूथपेस्ट इज बेसिक इन नेचर. सो ये हमारा सॉल्यूशन जो है ये भी बेसिक है. ओके, यस मैम. Okay, next is how will you test for the gas which is liberated when hydrochloric acid reacts with an active metal? Ab active metal ko example de do. Yes, mm-hmm. Koi bhi. Haan, sodium, zinc, kuch bhi le lete hain. To ye kya banayega? NaCl plus H2. ये हमेशा यही रिएक्शन होती है, राइट? क्योंकि हमारा जब भी एक मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है वो उसको डिस्प्लेस कर देता है हाइड्रोजन को और एक सॉल्ट बना देता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. अब मुझे ये बताओ ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई इसको आप कैसे टेस्टिंग करते हो? इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? पॉप साउंड, राइट? जब भी आप एक बर्निंग स्प्लिंटर इसके पास लेके आओगे एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है, राइट? Next, name the gas evolved when dilute HCl reacts with sodium hydrogen carbonate. आपका हाइड्रोजन सॉरी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NaHCO3. Okay, तो ये कौन सी गैस रिलीज होगी? It is NaHCO3. When it is reacting with HCl, it will form NaCl, right? Plus CO2 plus H2O. Sheetal, can you check whether this equation is balanced or not? Ma'am, no. Why? Kya cheez balance nahi hai? Batao. Ma'am, yahan pe oxygen 2 hai. अरे यहाँ पे 2+1 है. नहीं, ये 3 है बेटा. कार्बोनेट है ना, कार्बोनेट में 3 होता है हमेशा. इट इज 3 ओनली. अब तो बैलेंस है. आपने वो शायद 2 पढ़ लिया होगा, वो पेन चला नहीं था ठीक से, राइट? अब ठीक है? यस मैम. ठीक है तनिषा, हाउ विल यू चेक दिस कार्बन डाइऑक्साइड? इसको चेक करने का क्या टेस्ट होता है बेटा? मतलब मोस्ट कॉमनली हम इसको कैसे चेक करते हैं? यस तनिषा, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू, किसके थ्रू पास करते हैं बेटा? लाइम वाटर. यस, और लाइम वाटर क्या हो जाता है? मिल्की. ठीक है, मिल्की सा हो जाएगा बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ये क्या करता है, CaO प्लस CO2 रिएक्ट करके क्या बना देता है, ये मिल्कीनेस किसकी वजह से है? ये है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, राइट? ठीक है जी, तो ये इसका श्योर शॉट टेस्ट होता है. जो लाइम वाटर है आपका वो मिल्की अपेयरेंस तभी देगा जब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास होगी, क्योंकि तभी कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, राइट? नाउ यू हैव टू टेल मी नेम्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग एसिड एंड 2 वीक एसिड. यस मैम, स्ट्रॉन्ग एसिड. हाँ जी, स्ट्रॉन्ग एसिड बताओ पहले. HCl. यस. H2SO4. यस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे हो गए, पहला तो है H2SO4, राइट? एंड दूसरा इज HCl. ओके, नाउ वीक एसिड. मैम, वाटर. वाटर इज नॉट एन एसिड. कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है?
और एक मेथनोइक एसिड सी एच एक सेकंड एक ऐसे लिख लेते हैं एक सेकेंड रुकना एथनोइक एसिड ठीक है इसमें क्या है दिस इज कार्बोनिक एसिड राइट एंड दिस वन इज योर एसिटिक एसिड और एथनोइक एसिड नाउ यू हैव टू टेल मी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन नेम वन नेचुरल सोर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एसिड मतलब ये जो एसिड्स हैं आपको नेचुरली किसी चीज में मिलते हैं यू हैव टू टेल मी द नेम्स ऑफ दोज सोर्सेज जैसे सिट्रिक एसिड किसमें अवेलेबल होता है ये किसमें आपको मिलता है सिट्रिक एसिड तनिषा लेमन यस इट इज लेमन वेरी गुड ऑक्सैलिक एसिड ऑरेंज 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 में तो सिट्रिक ही होता है ऑक्सैलिक इज देयर इन टोमेटोज स्पिनच राइट ओके देन लैक्टिक हमारी बॉडी में होता है लैक्टिक हमारी बॉडी में कैसे आ गया अच्छा वो तो मसल क्रैम्पिंग में होता है वो बनता है बाय प्रोडक्ट है बट इट्स नॉट फाउंड इट्स देयर इन मिल्क टार्टरिक इज देयर इन सॉर ग्रेप्स जो खट्टे ग्रेप्स होते हैं ना हाँ जी अब यू हैव टू नेम वन एनिमल एंड वन प्लांट हुज स्टिंग्स कंटेन फॉर्मिक एसिड ऐसा कौन सा एक एनिमल है और ऐसा कौन सा एक प्लांट है जो आपको जब काटता है तो फॉर्मिक एसिड रिलीज होता है यस एक तो वो चींटी एंट ठीक है और एक आपका ये नेटल प्लांट था ना आपने जब हम एक्सीडेंटली इसको टच कर रहे थे इसके लीव्स को याद आया हो आपको बिल्कुल लास्ट में किया था हम लोगों ने ठीक है चलो अब हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस अफेक्टेड व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड यस शीतल आपके जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोनियम आयंस की वो कैसे अफेक्टेड होती है जब हम उसको डाइल्यूट कर देते हैं सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस मतलब क्या है ये कितने ज्यादा वो है हाइड्रोजन आयंस है राइट तो आप जब उसको डाइल्यूट कर रहे हो तो कैसे इफेक्ट पड़ रहा है कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी इंक्रीज होगी आर यू श्योर देखो सॉल्यूशन में इस सॉल्यूशन में हमारे पास दो चीजें आ गई बेटा एक एसिड आ गया और इसके बीच में वाटर है ठीक है अब ये जो हाइड्रोनियम आयन है ना बेटा वो इससे आना है इसका जब तक एच आयन नहीं होगा वो इसके साथ कंबाइन नहीं करेगा अब आप इसको बढ़ा रहे हो आपने इसको तो इंक्रीज कर दिया इसको इंक्रीज नहीं किया तो हाउ विल दिस कंसंट्रेशन इंक्रीज ठीक है सो इसकी जो कंसंट्रेशन है इट विल डिक्रीज एज नाउ एसिड इज कम ठीक है क्योंकि आप इसको डाइल्यूट कर रहे हो उसकी स्ट्रेंथ अपने आप कम हो गई एसिड की यस समझ आया पॉइंट यस मैम ओके चलो अब नेक्स्ट रिएक्शन मुझे तनिषा बताएगी बेटा यू हैव टू राइट डाउन द रिएक्शन अगेन यू डिडंट एस्केप फ्रॉम द रिएक्शन The reactions are again there. So dilute sulfuric acid, it is reacting with zinc granules. अब मुझे बताना क्या होगा? ये zinc granules हैं plus dilute H2SO4. It will lead to yes क्या बनेगा? देखो ये active metal है. It is reacting with an acid. तो सबसे पहले तो hydrogen लिख लो side पे. Hydrogen gas release होगी ही होगी. और साथ में क्या बनेगा? Zinc sulfate. Yes, Dipanshu beta, can you check whether this reaction is balanced or not? Yes, ma'am. Thank you. So
नेक्स्ट इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन इट इज रिएक्टिंग विद एल्युमिनियम पाउडर. एल्युमिनियम का क्या फॉर्मूला होता है, क्या सिंबल है? यस तनीषा, एएल. यस, वेरी गुड. एएल प्लस डाइल्यूट H2SO4. सो ये क्या बनेगा बेटा, Al2SO4 होल. Whole size plus H2. Now balance this. Unbalanced है तो हम कैसे करें बैलेंस बेटा? अगर ये सल्फेट 3 है तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, राइट? ठीक है, लेकिन अब ये भी 6 हो गया, ये आपका 2 ही है, इसको इनटू 3 कर देंगे. दिस एल्युमिनियम इज 2 दिस साइड, सो वी विल प्लेस अ 2 ओवर हियर. यस, सो 2 एल्युमिनियम विल रिएक्ट विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 टू फॉर्म एल्युमिनियम सल्फेट प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस. नाउ iron plus HCl. It will give me FeCl3 plus H2. यहाँ पे FeCl2 भी बन सकता है, right? देखो बेटा balance है ये. ठीक है, चलो अब हम इसको फटाफट से खत्म कर लेते हैं. यस बेटा, फर्स्ट रिएक्शन तनीषा आप बताओ बेटा मुझे क्या होगा. जिंक प्लस HCl गिव्स मी क्या बनेगा बेटा? जिंक और HCl जब रिएक्ट करते हैं क्या बनता है? सॉल्ट बनता है. ZnCl2 प्लस H2, सिंपल. यस, नाउ शीतल नेक्स्ट आप बताओ बेटा. सोडियम कार्बोनेट इज रिएक्टिंग विथ HCl, क्या बनेगा? एक तो सॉल्ट बन जाएगा, कार्बोनेट है तो हम यहाँ पे पहले ही लिख लेते हैं CO2 प्लस वाटर, राइट? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों के केस में देयर इज रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल, ओके? साथ में हमारा बनता है सॉल्ट, तो ये सॉल्ट बन गया NaCl. नाउ जस्ट सी कि क्या ये बैलेंसिंग है या नहीं है. नो इट्स नॉट बैलेंस्ड, तो नाउ इट इज बैलेंस्ड. यस, नेक्स्ट रिएक्शन Who will tell me? Sodium bicarbonate is reacting with HCl. The nature of products formed will be the same. Okay, it is NaCl only. It will also lead to the release of carbon dioxide gas along with a release of water molecule. Yes, अब इसकी आपने balancing करनी है. Balancing देखो क्या balanced है ये. Yes, Sheetal, is it balanced? No. क्या चीज बैलेंस नहीं है बताओ, फिर हम उसको बैलेंस कर देते हैं बेटा. जस्ट टेल मी. मम्मी यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पे भी 3 है, 2+1. यस, है ना, बैलेंस है ये. Now NaOH plus HCl, it will form salt plus water. Okay, so is this balanced? ये जो H है, ये हमारे OH के साथ react कर जाएगा. Okay जी. Now cuprous oxide plus HCl, it will give me salt plus water. Okay. यस तनीषा, आपको समझ आ गया बेटा? हम एक बार दोबारा समझाना है बेटा. जो ये सॉल्ट है, सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, राइट? कोई भी आपका चीज जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है और वो एक्टिव मेटल है तो वो रिएक्ट करेगा ही, और रिएक्ट करने में आपका सॉल्ट बनता है और वाटर रिलीज हो जाता है. अगर आपका जैसे सपोज सिर्फ मेटल रिएक्ट कर रहा है, उसका ऑक्साइड नहीं कर रहा लेकिन मेटल कर रहा है रिएक्ट, तब हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. लेकिन अगर मेटल का ऑक्साइड करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा. अगर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट रिएक्ट कर रहे हैं किसी एसिड के साथ, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये रिलीज होगा. ठीक है,
तो ये आपको बेसिक तीन ही चीजें हैं जिसको आपको याद करना है, और ये क्वेश्चंस काफी बनते हैं क्योंकि देखो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में दोनों में एक जैसे एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं, सॉल्ट बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर बन रहा है, राइट। एक्टिव मेटल जब रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, जब एक्टिव मेटल का ऑक्साइड रिएक्ट करता है, देखो जो भी मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, तो जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं एक तरह से वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, तो सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है। चलो अब मुझे तनिषा यू टेल, तनिषा इज नॉट देयर, नो शी इज नॉट देयर, ओके चलो, यस एसिड्स हैव अ डैश टेस्ट, सॉर, यस सॉर, यस बेटा एसिड्स हैव अ सॉर टेस्ट एंड दे टर्न डैश लिटमस टू डैश, कौन से कलर में चेंज करते हैं, यस बेटा ठीक है, ये तो आपने मुझे ठीक बताया कि इट इज सॉर टेस्ट, सो कौन सा लिटमस चेंज होता है, ब्लू लिटमस इनटू रेड, यस नेक्स्ट, सब्सटेंसेस डू नॉट शो देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज विदाउट, हाँ जी सब्सटेंसेस डू नॉट शो देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज, किसके बिना एसिडिक प्रॉपर्टीज नहीं शो करती, विदाउट यस बीइंग इन एक्वस स्टेट, तभी आयंस बनेंगे ना, एसिड्स प्रोड्यूस डैश आयंस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, हाँ जी दीपांशु आप बताओ बेटा कैसे आयंस बनाते हैं, विच आयंस आर प्रोड्यूस्ड, इट इज हाइड्रोनियम, ओके हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम हम कैसे लिखते हैं, H3O पॉजिटिव, ओके यस, substances whose smell changes in acidic or basic solution are called dash indicators. कौन से indicators होते हैं बेटा वो? ये जो onion और vanilla थे बेटा, कौन से indicators थे ये? आपकी cleaning show हो रही। हाँ जी, olfactory. Next में भी क्या आएगा हमारा olfactory? Yes, vanilla and onion are the olfactory indicators. Yes? Okay. Next, beta, short answers hain. What is an indicator? Name three common indicators. Ab aapko pata hai indicators kya hota hai? Indicators are the substances which change their color when they come in contact with acid or a base. Okay? So, ye aapke kuch aise substances hain. They are substances. Which? फिर अब सब एक बार दोबारा समझा दोगे? हाँ जी, लास्ट में बता दूंगी बेटा, ठीक है? Which change their color when in contact with acid or basic solution? ठीक है बेटा? Acidic or बेसिक सॉल्यूशन, हाँ जी कॉमन इंडिकेटर्स बताओ मुझे, यस वन बाय वन, दीपांशु सबसे पहले आप बताओ बेटा, हाँ जी अरे इंडिकेटर बेटा एक इंडिकेटर बता दो, वो तो हमें पता है कॉमन है, बताओ अभी हमने किया नहीं था रेड लिटमस ब्लू, ब्लू क्या करता है वो, क्या मैंने वर्ड भी बोल दिया बीच में, बल्कि क्या होता है इंडिकेटर, लिटमस, यस बोला नहीं है वैसे, हाँ जी शीतल नेक्स्ट आप दो बेटा, कोई भी कॉमन इंडिकेटर, यस कोई और इंडिकेटर का नाम, एक तो लिटमस हो गया और कोई ध्यान आ रहा है, हाँ जी तनिषा आपको, मैम रेड कैबेज, यस वेरी गुड, मिथाइल ऑरेंज और हम लिख सकते हैं रेड कैबेज, ओके वेरी गुड, चलो नाउ नेम द एसिड बेस इंडिकेटर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन, तनिषा ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जिसे हमने लाइकन से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है,
यस आप बता सकते हो दीपांशु? एक बार रिपीट करना जी. श्योर बेटा. इट इज नेम द एसिड बेस इंडिकेटर विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन. जो वेरी कॉमन है बेटा, जो हम बड़ा कॉमनली यूज करते हैं और हम उससे एसिड और बेस को डिफाइन भी करते हैं. लिटमस. यस इट इज लिटमस. ठीक है. व्हाट कलर डज द टर्मरिक पेपर व्हेन टर्न व्हेन पुट इन एन अल्कलाइन सॉल्यूशन. आप टर्मरिक पेपर को अगर आप एक अल्कलाइन सॉल्यूशन में डालते हो तो उसका कलर क्या हो जाएगा? क्या हो जाता है कलर उसका? टर्न रेडिश ब्राउन. ठीक है, आपने वो देखा है कपड़ों पे सब्जी गिर जाए तो जब मम्मा सोप लगाती है तो कैसा कलर हो जाता है? रेडिश ब्राउन. ठीक है, इट टर्न्स रेडिश ब्राउन. What is an olfactory indicator? What is an olfactory indicator? Who will tell me? Sheetal, aap batao beta. What is olfactory indicator? Polygram bio, marketing room, Instagram. Anji? Yes, beta. Sheetal, tell me. What is olfactory indicator? अच्छा कोई बात नहीं. द सब्सटेंसेस विच चेंज देयर स्मेल व्हेन कम इन कॉन्टेक्ट विद एसिड और बेसिक सॉल्यूशन. ठीक है, एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन पे आने पे द चेंज देयर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल. ओके, ऑल्फैक्टरी मींस इट इज रिलेटेड टू योर स्मेल पार्ट. यस, द सब्सटेंसेस विच ऑल्टर देयर स्मेल, ऑल्टर देयर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल. When added in acidic or basic solution, right? अब मुझे दो olfactory indicators के नाम बताओ. Yes, बेटा. बताओ शीतल, तनिषा आप बताओ बेटा. Name two olfactory indicators. हम पता नहीं. अरे अभी तो हमने बात की थी. शीतल आप बताओ बेटा. इट इज अनियन, अनियन एंड वनीला एक्सट्रैक्ट. ओके, एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड टू दीज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है. So, क्या होगा? दे विल लूज देयर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल. रिस्पेक्टिव जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो लूज कर जाते हैं व्हेनेवर दे कम इन कॉन्टेक्ट विद एन विद अ बेस. ओके, सो लूज देयर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल. व्हेन इन बेस. ओके बेटा, I'm writing it in short, but you have to write it very nicely. Okay? इसको अच्छे से expand करके लिखना. What happens when an acid reacts with a metal? ये हम कर चुके हैं, that it releases hydrogen gas. वो क्या करता है? It releases hydrogen gas. तो आप कोई भी metal ले सकते हो. ठीक है, हम ले लेते हैं X plus HCl. When it reacts, it will form XHCl plus release of hydrogen gas. ओके, तो ये आप कोई भी मेटल लेके इसको लिख सकते हैं. आप सोडियम ले सकते हो, आप जिंक ले सकते हो, आप कोई भी मेटल ले सकते हो. सो अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछा गया है, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड. ये हम अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में किया था कि हाइड्रोजन गैस इज रिलीज और उसे हम कैसे टेस्ट करते हैं? पॉप साउंड से. राइट, पॉप साउंड से हम उसकी प्रेजेंस जो है वो चेक कर लेते हैं. राइट, पॉप साउंड.
ओके, तो उससे क्या है हमें हाइड्रोजन की प्रेजेंस जो है वो पता चल जाती है, राइट। सारा चलो, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डाइल्यूटिंग एन एसिड व्हाई इट इज रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर नॉट टू वाटर टू द एसिड। देखो बेटा, इफ इट इज रिकमेंडेड दैट वी शुड एड एसिड इनटू वाटर नॉट वाटर इनटू द एसिड एज डाइल्यूटिंग एन एसिड, ये जो रिएक्शन आप कर रहे हो इट इज द फिनोमेना इज कॉल्ड डाइल्यूशन, ठीक है, इसे हम बोलते हैं डाइल्यूशन। अब ये जो केमिकल प्रोसेस है इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। एक तो क्या होता है कि देयर इज अ रिलीज ऑफ लॉट ऑफ एनर्जी, ओके, देयर इज लॉट ऑफ एनर्जी, तो ये आपकी जो रिएक्शन है दैट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। नंबर टू, हम डाइल्यूशन हमेशा कैसे करते हैं, हम वाटर में एसिड ऐड करते हैं, तो क्या होता है, एक तो जो आपका रियल कल्प्रिट है वो थोड़ा है, राइट, एसिड अमाउंट इज लेस, तो ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी। नंबर टू, इसका रीजन क्या है बेटा, कि जो वाटर है, वाटर हैज गॉट द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ओके, इट हैज गॉट द हाईएस्ट, सो जितनी हीट रिलीज होती है ये उसको बड़े आराम से अब्सॉर्ब कर लेता है, ओके, यस, हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है जिसकी वजह से जो भी हीट रिलीज होती है वॉटर इज देयर, ये उसको अब्सॉर्ब कर लेता है, सो जितना ज्यादा वॉटर होगा उतनी ज्यादा एनर्जी वो बड़े आराम से अब्सॉर्ब कर पाएगा, राइट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब वही है, मेटल बायकार्बोनेट है, सो दैट मीन्स मेटल बायकार्बोनेट का क्या मतलब है कि इसमें CO2 रिलीज होगा, सॉल्ट बनेगा और वॉटर बनेगा। वी विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ बायकार्बोनेट, सोडियम बायकार्बोनेट इज रिएक्टिंग, सो इट इज फॉर्मिंग formed NaCl CO2, okay, so here CO2 hai beta, it is being released as a gaseous form, right? Next happens when dilute it is added to sodium carbonate. Now here is, who will tell me? Ma'am, beta, question hum par bhi mere khayal se 3 times kar chuke hain, jab bhi ek acid carbonate ke sath react karta hai salt banata hai, carbonate release karega aur water release karta hai, yahi maine liya hai, example liya hai sodium bicarbonate ka और एसिड हमने लिया है HCl और सॉल्ट करा है NaCl, CO2 और H2O रिलीज हो रहा है, ठीक है। हमने बताया कि सोडियम कार्बोनेट, व्हाट इज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट प्लस डाइल्यूट HCl, व्हेन इट इज रिएक्टिंग इट विल फॉर्म NaCl प्लस CO प्लस H2O, डू यू थिंक इट बैलेंस्ड, नो इट इज नॉट बैलेंस्ड, वी हैव टू पुट टू ओवर हियर एंड टू ओवर हियर, देन इट इज बैलेंस्ड। Now next question is which gas is liberated due to reacting with sodium? ये ऊपर वाली reaction आ रही है, तो इसमें से कौन सी release हो रही है? ये हमने अभी पहले भी किया था, इस dioxide, right? So that is dioxide, और आप इसको कैसे कर सकते हो कि हम इसे कैसे confirm करते हैं कि yes this is carbon dioxide? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, very good. हम इसको क्या करते हैं? We pass it through line water. क्या होता है? जो लाइम वाटर है वो कैसा होगा, ये पेरेंट हो जाएगी उसकी, राइट। नेक्स्ट, व्हाट एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या है, क्या होता है कि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। हम टेक एग्जांपल ऑफ NaOH प्लस HCl, ओके, तो हमने क्या करना है, इसको रिएक्ट करेंगे, तो ये CH है, ये ठीक है, अलॉन्ग रिलीज ऑफ वाटर, ओके। अब इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एसिड प्लस बेस रिएक्ट करते हैं, इसका स्पेशल नेम क्या है, यस बाबू, हां जी, एनएसएच2, नहीं वो तो बन गया, इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, चीता लग रहा है, नो, ओके, निशा यू आर ऑफ, अरे शी इज नॉट देयर, ओके, इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, okay, so this reaction is known as neutralization reaction, okay, ye ek dusre ke effect ko neutralize kar dete hain, right, chalo, what happens when an acid reacts with a metal oxide, aapka ek acid hai wo react kar raha hai metal oxide ke sath, so kya hota hai, ek salt banta hai aur water release hota hai, theek hai, isme bhi wahi hai, kyunki maine aapko bataya jo metallic oxides hote hain ye
दे आर बेसिक इन नेचर, ये बेसिक होते हैं. सो जब एक एसिड और एक बेस जब रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाता है, वो न्यूट्रल हो जाता है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं. सो वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ Na2O प्लस HCl, इट विल फॉर्म NaCl प्लस H2O. यस, तो यहाँ पे यू हैव टू राइट टू एंड यहाँ पे यू हैव टू राइट टू. सो दिस इज अ बैलेंस रिएक्शन. तो ये क्या है, आपका एक मेटल ऑक्साइड है जो क्या है, बेस बन गया है. ठीक है बेटा, और ये क्या है बेटा, एसिड है. तो ये कौन सी रिएक्शन हुई शीतल, जब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, क्या बोलते हैं, नहीं क्या बोलते हैं इसको, ये हो गया हमारा न्यूट्रलाइजेशन. यस, काइंड ऑफ ग्लेशियर. ठीक है, जो हमें एनिमल्स में मिलते हैं, प्लांट्स एनिमल्स, अगर दिया जाए फाउंड वेरी वीक. ठीक है, देखते हैं वो क्या है, फाउंड इन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड वेरी स्ट्रांग एसिड. ठीक है, इसमें से काफी सारे फ्लोर होते हैं. ठीक है, सुनिए अभी फिर एग्जांपल टीचर ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड. ऑर्गेनिक एसिड एग्जांपल जो हमने पीछे लिया था, वो बताने थे कहां कहां पे मिलते हैं. ठीक, बोलते जैसे कि लैक्टिक एसिड, यस लैक्टिक एसिड, देन सिट्रिक एसिड, दीज आर योर एसिड भी आप इनको खाते हो तो ऑक्सीजन लेगा का. राइट, और मिनरल एसिड का कोई एग्जांपल, यस. Now, see some uses. HCl it is used for making bleaching powder, chlorine, then hydrogen gas के लिए चाहिए होता है. Then H2SO4 है, वो हमें it's king of chemicals, वो काफी जगह use है. जैसे कि हमें कई जगह neutralization reaction करनी है, you have to clean up the iron before galvanization. Then जो nitric acid होता है, used in the manufacture of fertilizers, explosives, right? अब अगेन द सेम क्वेश्चन, व्हाट इज स्ट्रांग एसिड एंड व्हाट इज मेंट बाय दैट. मैं बस एक बार आप एट क्वेश्चन दोबारा बता दोगे, एट कौन सा है, एट में क्या है बेटा, एट में भैया एक ऑक्साइड उसने एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना दिया, सॉल्ट और वाटर. मैंने कहा मेटल ऑक्साइड जो है बेसिक होता है, इट इज बेसिक नेचर. ठीक है, बेटा बेस और एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो कैसी रिएक्शन दिया, वो न्यूट्रलाइजेशन. यस, उसको हम न्यूट्रल कहते हैं. अब बेटा नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रांग एसिड एंड नेगेटिव. स्ट्रांग एसिड के बेटा व्हिच शो कंप्लीट लेकिन वीक एसिड में क्या होता है, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन. ठीक है, वो जो डिसोसिएशन है वो इनकम्प्लीट होता है, इसलिए वो अभी नहीं दिखा पाते. सो अंडरलाइनिंग द एसिड विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. यस, then this ethanoic acid is strong, this is a weak acid. H2SO is strong acid, NO3 is strong acid, carbonic acid is not strong, H2SO3 is not strong. So ye teeno jo hain they are very strong, they are strong acids, balki jo rest of the acids hain jo basale hain they are weak acids. Okay, so association into acids. So for today hum kya question hai,